ओके गाइस, सो मैं अभी उठ चुका हूँ। कल रात को मैंने, मतलब कल रात 3:30 तक मैं पैकिंग करके बैठा था, यू नो। एनीवे, सो अभी आज निकलना है तो मैं अपने बच्चों को फ्रेंड के पास छोड़ना है, पर मैं इनको छोड़ने से पहले नहलाऊंगा। सो पहले गर्म पानी बनाऊंगा इनको गर्म पानी से थोड़ा नहलाऊंगा, फिर उसके बाद मैं अपनी फ्रेंड के पास छोड़ के जाऊँगा। मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं अपने बच्चों को छोड़ के जा रहा हूँ। आई डोंट नो, पर मुझे बुरा लग रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा बच्चे को छोड़ने का। बट ओके, चलो पसीना। सो मैं निकल चुका हूँ, फ्रेंड के पास जाऊँगा पहले बच्चे को छोड़ के। बैग, फिर वहाँ से डायरेक्ट एयरपोर्ट के लिए जाऊँगा। एंड आई थिंक आज थोड़ा सा लेट ना हो जाऊँ मैं। आई थिंक लेट तो होने वाला है शायद। आई होप लेट ना हो, देखते हैं। तो मेरी फ्रेंड के यहाँ पे पहुँच गई, उसके पास जा रहा हूँ सामान वगैरह लेने। और देखो कैसे बिस्किट खा रहे हैं आते, पिटाई खाने के बाद खा रहे हैं वो। बाय बाय, बाय अंजय, बाय सुजाता, बाय बाय। तो बच्चे रोने लगे मेरे जाने से, मुझे बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। तो मेरा कैब आ गया और एंड मैंने बच्चों को सुजाता के पास छोड़ दिया। आई थिंक आज मेरा फ्लाइट मिस होने वाला है, बिकॉज थोड़ा लेट हो गया है। दो बार कैब वालों ने कैंसिल कर दिया 10-10 मिनट वेट करने के बाद। आई होप मेरा फ्लाइट लेट ना हो जाए। आई होप 12 बजे की फ्लाइट है और अभी 11:15 हो चुके हैं, मैं लेट हो चुका हूँ। सो आई थिंक आई एम गोना मिस द फ्लाइट। सो गाइज, द अपडेट इज मैंने अब तक फ्लाइट मिस कर दिया और एयरपोर्ट पे इतने लोग थे कि मैं अच्छे से रो भी नहीं पाया। फिर नोएडा जाने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि एयरपोर्ट से नोएडा तक 1.5 आवर था, मतलब फिर 3 घंटे हो जाते, वेस्ट हो जाते। तो मैं गई नहीं, तो मैं मुकुल के घर पे आ गई, क्योंकि मुकुल का घर गुड़गांव में है। तो मैं मुकुल के घर आ गई और मैंने एक और फ़्लाइट बुक की है शाम, मतलब रात की है, 9:30 बजे की फ़्लाइट है। बट द प्रॉब्लम इज 9:30 बजे की फ़्लाइट है, बट यहाँ से बेंगलोर में ले ओवर है फॉर 5 आवर। देन लाइक 9:30 की फ़्लाइट नहीं, मतलब 9:30 की फ़्लाइट है, 12 बजे बेंगलोर पहुँच चुकी। 12 बजे से, रात की 12 बजे से सुबह के 6 बजे तक मुझे बेंगलोर में रहना है। फिर 6 बजे से फ़्लाइट है हुबली, 7:30 तक मैं पहुँच जाऊँगा हुबली। तो यस, आज का दिन थोड़ा सा ख़राब हो गया मेरा, क्योंकि मेरी फ़्लाइट मिस हो गई। तो मैं अभी मैं मुकुल के घर पे हूँ। मुकुल गुड़गांव रहता है ना, तो उसका घर पास ही है एयरपोर्ट से। तो हम अभी ऐसे बैठे टाइम पास कर रहे हैं, और मुकुल ने मेरे लिए बिरयानी मंगाया है, मतलब हमारे लिए बिरयानी। अभी हम लोग खाएँगे बिरयानी। दिखने में तो अच्छा लग रहा है, अच्छा कि अच्छा करो ना।
मैं हूं ना, मैं करते हैं ना वो वो सुष्मिता सिन्हा से करते हैं ना, बाय बाय, थैंक यू फॉर लेटिंग मी स्टे एट योर होम. क्यों नहीं, क्यों नहीं. चलो अब मैं जा रही हूँ, जल्दी जा रही हूँ कि अब तो मैं फ्लाइट मिस नहीं कर सकता भाई. मैं अभी भी फिट हूँ, यहाँ रुक जाओ. फाइनली मैं पहुँच गया हूँ एयरपोर्ट. मैं जल्दी आ गई, पता है अब तो लेट नहीं होता इसलिए. एक्चुअली मैं हमेशा टर्मिनल 3 से जाती हूँ, आज टर्मिनल 2 पे आया हूँ, तो दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम हेयर. ये थोड़ा अलग लग रहा है, पता है ऐसा लग रहा है कि मैंने कभी देखा ही नहीं. समझ रहे हो, टर्मिनल 2. दिस मिनिसो हेयर, लेट्स गो चेक आउट मिनिसो. दिस इज सो क्यूट, इट्स माई लंच. ये भी क्यूट है, आई थिंक ऑफ बाइंग दिस वन. बट ये भी सुंदर है, ये भी सुंदर है, सभी सुंदर है. पता है अभी पहले पहुंच गई ना, तो अभी टाइम है, बोर्डिंग टाइम है, तो मैं मिनी से थोड़ा सा शॉपिंग कर रहा हूँ. मेकअप, दिस इज सो क्यूट. इसको देख के मैं सोच रहा हूँ कि मैं आज तक मिनिसो क्यों नहीं आया. बट जब मैं दिल्ली वापस जाऊँगा ना, मैं मिनिसो जाऊँगी. बिकॉज ये सब इट्स बीन वेरी लॉन्ग टाइम के मैं मिनिसो गया हूँ. बहुत आई गेस 2-3 साल हो गए. अब 2-3 साल के बाद आया हूँ मैं मिनिसो पे. और इतना क्यूट क्यूट सामान है ना, मेरा मन ख़राब हो रहा है. Finally in Bangalore. I'm gonna wash my face. फ़ोन थोड़ा चार्ज कर लिया, मैं बेंगलोर आ गई हूँ. एंड सारे 2 बजे है और मेरी हुबली की फ्लाइट है 6 बजे फ्लाइट है, तो मुझे नींद आ रही है. मैं कॉफ़ी पीने जा रही हूँ. अभी तक मैं फ़ोन चार्जिंग करके रखा था ना, इसलिए लेट्स गो. बाय द वे मैंने ये बुक किया है अभी. हाँ मैंने कॉफ़ी पी लिया, पर मुझे अभी भी नींद आ रही है भाई साहब, नींद आ रही है. यहाँ पर कोई सोया हुआ है, मैं भी ऐसे सोया हूँ क्या? नींद आ रही, बहुत गंदा वाला नींद आ रही है.